Good morning and welcome back. You're watching Morning with Life. Maro Qureshi ke saath bhi shamil ho sakte hain program mein. Call kare 051-8357-361 ke upar. Iske alawa aap mera Facebook page Morning with Life ke naam se bhi join kar sakte hain, call kar sakte hain. Topic aaj hum discuss kar rahe hain hamare expert segment ke andar ji, laser hair removal. Dr. Humayun Mohmand jo ki hamare expert cosmetic surgeon hain ji, wo hamare sath maujood hain aur wo abhi kafi detail se bata rahe hain, because humne kaha tha ki ji 4 shows hum is topic ke upar karenge. Ek hamara ho chuka hai last week, ek abhi hum kar rahe hain. Dr. sahab abhi aapko further ke hawale se inform karenge. साथ ही साथ आप लोगों को बताती चलूं जी कि आज जो है हमारा जो शो है पूरे के पूरा हमने फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के हवाले से डिजाइन किया है. वो तमाम जो खवातीनों हजरात जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है ओबेसिटी का या इस किस्म का, तो वो आज का शो जरूर देखें, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या फॉलो किए जा रहे हैं एज फार एज द फिजिकल फिटनेस इज कंसर्न्ड, वेदर थ्रू एक्सरसाइज और योर डाइट प्लान, वो आज हम डिस्कस करेंगे जी. और बड़े जबरदस्त एक फिटनेस क्लब वाले हमारे साथ मौजूद होंगे, दोनों को मिलवाएंगे आपसे. लेकिन इस सेगमेंट के बाद फिलहाल लेजर हेयर रिमूवल के हवाले से हम बातचीत करें. ब्रेक में हम लोग डॉक्टर साहब और मैं जो वो लेजर हेयर रिमूवल पीछे रह जाती है और हम म्यूजिक और हमारे कॉन्सर्ट की बातें शुरू कर देते हैं, बिकॉज अभी तक वो चीज निकली नहीं है. एंड आई एम सच अ बिग म्यूजिक लवर, उतने ही बड़े डॉक्टर साहब, हमारे गानों की चॉइस से मिलती है डॉक्टर साहब, अमेजिंग. वैसे ग्रेट माइंड थिंक्स अलाइक. ओए होए होए होए, देख ले जी, आज डॉक्टर साहब ने मुझे भी ग्रेट माइंड का खिताब दे दिया है. अच्छा डॉक्टर साहब, लेजर हेयर रिमूवल की हम बात कर रहे थे, फिर कहां तक पहुंच गए थे? हां जी, लेकिन मैं आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग विद रेफरेंस टू आपका नेक्स्ट सेगमेंट जो फिटनेस का है. बहुत सारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, कल भी मेरे पास एक पेशेंट आया है कि मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ तो लाइपोसक्शन कर दें. ठीक है, और मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा देखिए लाइपोसक्शन इज नॉट फॉर दैट. उसके लिए आप, मैंने उनको बताया कि आप 3-4 फिटनेस सेंटर्स जो यहाँ पे मुझे नाम याद थे, मैंने कहा आप उनमें से किसी एक के पास चले जाएं, हैव योर ओन क्या कहते हैं उसे इंस्ट्रक्टर, ठीक है, और उसके साथ करें. क्यों? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर जब वो मुझसे डाइट पूछते हैं तो डाइट का मैं एक जवाब देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये याद रखें कि इफ यू फॉलो द सुन्नत यू विल नेवर गेट फैट. बिल्कुल सही, नेवर एवर. भूख रख के खाएं, आप भूख रख के खाएं, निवाले चबा के खाएं और हेल्दी खाएं उस तरह से, तो यू विल नेवर, क्योंकि कोई भी पैगंबर मोटे नहीं थे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस तरह से करें. और लाइपोसक्शन को आप उस लिहाज से ना करें. नाउ कमिंग बैक टू डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल आज की ये बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने बात की. और वो तमाम तर लोग पता है हमारे एज ए नेशन, एक वो हमारा बस की टाइम बचत हो, तो ये भी बड़ा मसला ना, वक्त की बचत करनी है हम लोगों ने. ठीक है, पैसे भी जो है वो बेशक एक दफा में सारे लगते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, रोजाना एक घंटा हम लोग नहीं निकाल सकते. हालांकि अपने आप के लिए दिन का एक घंटा आपका जो बेस्ट आवर होता है, ये जो हमारे ओमनीफेरियस वाले भी अभी हमारे साथ आएंगे, जैसे कि जो आपके दिन का जो बेस्ट एक घंटा है वो आप हमारे साथ स्पेंड करें. So ये टाइम जो होता है ये आपके लिए अपना होता है. अभी अनफॉर्चुनेटली कल टेलीविजन में बता रहे थे, देयर वाज समबडी हु वांटेड, जो अपना वजन कम करना चाहते थे थ्रू लाइपोसक्शन इन लाहौर समवेयर. अच्छा, और द डॉक्टर वाज ऑब्वियसली, जब वो वजन कम करने के लिए उसकी सर्जरी की तो वो इंडिकेशन गलत होगी, दैट उन्होंने प्रॉब्लम ज्यादा कर दिया होगा, उस पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और दैट पेशेंट यू नो हैड अ प्रॉब्लम. इन अदर वर्ड्स द पेशेंट कुड नॉट सर्वाइव. अब उसमें लैपोसक्शन का कोई कसूर नहीं है, उसमें लैपोसक्शन इज नॉट बैड, इट इज द पर्सन जिसने उसका गलत इस्तेमाल किया है. ठीक है, ठीक है, वही दवाई है जो आपको जिंदगी बचाती है. अगर उस दवाई को ज्यादा खा लें तो आप मर सकते कोई भी दवाई ना, वो तो एग्जैक्टली, उसमें उस दवाई का कोई कसूर नहीं है, उस छुरी का कोई कसूर नहीं है जिससे आप अपनी रोजी ले सकते हैं, लेकिन जब उसको गलत इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द लेजर हेयर रिमूवल. अब लेजर हेयर रिमूवल में ज्यादातर लोग आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कितने दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, नॉर्मली जो मेरे ज्यादातर क्लाइंट हैं वो जो रिस्पॉन्ड करते हैं, अब मैं रिस्पॉन्ड किसको कहता हूँ, 70-80% इंप्रूवमेंट को मैं रिस्पॉन्ड कहता हूँ. ठीक है, ठीक है, अगर आप 70-80% जो जो इंप्रूवमेंट है अगर आप उसको देखें, यू शुड रिस्पॉन्ड 6-8 सेशन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए. 6-8 सेशन के एक सेशन और दूसरे सेशन के दरमियान में गैप वेरिएबल होता है 4-6 हफ्तों के दरमियान में. क्यों? ये जो रेस्टिंग फेज और शेडिंग फेज है ये मिला के 6 हफ्ते बनते हैं. ठीक है, तो हर बंदे का चूंकि थोड़ा डिफरेंट होता, थोड़ा होता है उसमें, तो ठीक और है. बालों को जो हिट करना होता है वो ग्रोथ फेज में करना होता है.
ठीक है, अगर आप ग्रोथ फेज में नहीं करेंगे तो बाल खत्म नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, फाइन, ठीक है, क्योंकि तो आपने उसकी एग्जैक्टली होता क्या है कि ये जर्मिनल सेंटर है, तो जब बाल आता है तो जब वो करते हैं तो यार नीचे तक जा रहा होता है, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट होता है, दो जर्मिनल सेंटर्स होते हैं, है। आपने इतनी एनर्जी देनी होती कि ये दोनों जर्मिनल सेंटर खत्म हो जाए, ठीक है, तो जब बाल ग्रो करके इसको टच करेगा, आपने उस जो जर्मिनल सेंटर है उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, जब इसके अंदर हेयर शाफ्ट बनता है तो फिर पिगमेंट डेवलप तो उस शाफ्ट के अंदर पिगमेंट होता है, ठीक है, फाइन। आपने इतनी एनर्जी देनी होती कि वो शाफ्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करे इतनी कि वो इर्द गिर्द जो उसके जो लेयर्स होती है उनको भी जला दे। तो बेसिकली योर डॉक्टर टेल्स यू कि जी आपने चार महीने के बाद पहला सेशन कराना है, छह हफ्ते के बाद बाद दफा मैंने, अब ये पेशेंट्स ने आके मुझे कहा है कि जी हम फलाने डॉक्टर के पास गए थे और वो हर दूसरे हफ्ते हमें लेजर करते थे। अच्छा, अब जो मेरी अपनी नॉलेज है उस लिहाज से, अगर उस डॉक्टर का कोई और एक्सपीरियंस है जिसका मुझे नहीं मालूम तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जितने एक्सपीरियंस मेरे पास है पिछले 11-12 सालों से उसकी रोशनी में, उस रोशनी में आपको अगर कोई चार हफ्तों से पहले कर रहा है तो वो बेसिकली आपके पैसे जाया कर रहा है। देखें, पकड़े गए ना, ठीक है, तो आपको 4 से 6 हफ्ते, तो नॉर्मली अगर आप 6 या 8 सेशन करते हैं तो आपका साल से 1.5 साल तो कहीं नहीं गया, ठीक है, ठीक है। अब 70% इंप्रूवमेंट के बाद बाकी जो बाल हैं उनकी मैनेजमेंट शुरू हो जाती है, शायद थोड़े बहुत मतलब कम हो जाए। सेशन कंप्लीट कर लिए, ये कंप्लीट कर लिए, अब देखिए उसके बाद भी बाल हैं, खत्म नहीं हुए। वही जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि लेजर हेयर रिमूवल कोई चीज नहीं होती, लेजर हेयर रिडक्शन होता है, कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। 70% या 80% खत्म हो गए, लेकिन 10-15-20% रह गए, बिल्कुल। अब उन 20% को आपने मैनेज करना होता है। डॉक्टर साहब पार्लर वालों के लिए भी कुछ छोड़ दे बेचारे, उनको भी हॉट वैक्स से कुछ पैसे कमा ले। देखिए मैं ऐसा करता होता हूँ, मैं लोगों को ऐसा करता हूँ, मैं देखिए हमने ये करना होता है, हम पेशेंट को कहते हैं अब आप इसको खुद मैनेज कर सकते हो, घर बैठ के भी मैनेज कर सकते हो। अच्छा, ओके। लेकिन अगर आप थ्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको हर तीसरे दिन थ्रेडिंग करना होता है, 3 से 14 दिन। हाँ बिल्कुल। लेजर का ये फायदा है, अगर आपके पास पैसों की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाय दैट टाइम आपके किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको मिनिमम बेसिक्स पे ले आएंगे, ठीक है, 1500-2000 रुपए करके बहुत कम पे ले आएंगे, ठीक है। उसमें लेजर का फायदा ये है कि आपके 6 हफ्ते तक या 5 हफ्ते तक आपकी ग्रोथ नहीं है, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं है, सुबह सुबह उठ के मेहमान आए, चलो जल्दी जल्दी थ्रेडिंग करो, ये वो नहीं है। एटलीस्ट यू आर यू नो आप आराम से हैं, जहाँ जाना हुआ उसी वक्त तैयार हुए चले गए, जो करना हुआ। सब हम लोगों ने लेजर, मुझे आपकी बात समझ आ गई, अगर पैसे हैं तो आप कंटिन्यू कराएं, प्रोसेस अगर नहीं है तो आप घर में खुद उसको मैनेज करें। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है कि हम दोबारा से मिसाल के तौर पर करा लिए और हमने 6-8 सेशन ले लिया, पैसे मजीद नहीं है, तो आप अगर दोबारा से ब्लीच शुरू करेंगे और फिर वैक्स और फिर थ्रेडिंग, यू थिंक कि वो जो इतने सेशंस कराएं उसका इफेक्ट कितने अर्से में खत्म होकर दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जो जाएगा? बाल खत्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लेंट है लोगों की। लेट्स से आपके 1000 बाल थे, ठीक है, चेहरे पे, हाँ, ठीक है, आपने 1000 बालों को सेशन किया और खत्म कर दिया, 70% खत्म हो गए, 300 बाल रह गए, ठीक है, ठीक है। अब आप उन 300 बालों को, जो कुछ इधर है कुछ इधर है कुछ इधर है, बीच में गैप्स काफी हैं, आप इनको खुद मैनेज कर रहे हैं, अब ये 300 बाल ही रहेंगे थ्रू आउट, जो खत्म होने थे वो हो गए, जो खत्म हो गए दैट इज परमानेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जो खत्म हो गए परमानेंट। अब बाज़ दफा ऐसे होता है, मैंने बाज़ लोगों को किया, मैंने इसमें कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं की, जिसको हम कहते हैं डबल ब्लाइंड स्टडी, या आप कोई एक स्टडी एक पैटर्न के लिहाज से करते हैं और उसको देखते हैं, लेकिन मैंने अब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जिसको हम एनेक्डोटल एक्सपीरियंस कहते हैं, वो ये है कि बाज़ लोगों को 7-8 सेशन के बाद मैं कहता हूँ आप जाओ, ठीक है, ये बाल पतले हो गए इनको मैनेज करो, जब ये मोटे हो जाएं कम बैक, ठीक है, साल का गैप दे दो, 1.5 साल का गैप दे दो, जब ये मोटे हो जाएं वापस आ जाओ, फिर हम इन्हीं को टारगेट करके इन्हीं को करेंगे, तो मे भी 300 से हम कम करके 200 तक ले जाएं, 200 से कम करके 150 तक ले जाएं, एंड ग्रेजुअली हम इनको करते रहें, ठीक है, और जहां आपका एक कंफर्ट जोन डेवलप हो जाए तब वहां रोक लो। ऑल राइट, ठीक है, फाइन। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो पिछले 8-9 साल से मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, 4 महीनों में एक दफा आ जाते हैं, 5 महीनों में एक दफा आ जाते हैं, बजाय उसके कि वो हॉट वैक्स कर ले, थ्रेडिंग और ये वो सारा। अगर वैक्स आप करा रही हैं तो आप हर तीसरे चौथे हफ्ते आप करा रहे हैं,
आप थ्रेडिंग करा रहे हैं तो हर चौथे पांचवें दिन करा रहे हैं, या बहुत ज्यादा हुआ हफ्ते में एक दफा करा रहे हैं, बिल्कुल। तो लेजर आपको एक वो गैप देता है जो कि क्लीन फेस, क्लीन लुक और लंबा गैप देता है। डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा इसकी कॉस्ट की बात करें वर्सेस लेजर की, तो ये मिनिमम टू मैक्सिमम इसकी रेंज क्या होती है जो मार्केट मतलब में चल रही है? लेजर्स दो किस्म की मशीनें हैं, ठीक है। एक है IPL, इंटेंस पल्स लाइट सिस्टम, वो लेजर नहीं है, ठीक है, फाइन, ठीक है। इंटेंस पल्स लाइट सिस्टम एक सस्ती मशीन है, ठीक है, बिटवीन 5 to 10 lakh या 15 lakh की मशीन है। बड़ी सस्ती है डॉक्टर साहब, ये सस्ती है क्योंकि लेजर 30 lakh to 50 lakh के दरमियान की है। बड़ी सस्ती है, बड़ी सस्ती है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट 1/3। अब लेजर की जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे। ऑन एन एवरेज उसका अगर वो 5,000 to 4,000 or 5,000 फेस के लिए, मैं फुल फेस मींस इतनी जगह, ठीक है, अगर उससे वो कम करता है तो उसके लिए ओवरहेड और सब कुछ मिला के वो गुजारा नहीं होता, ठीक है, फाइन। पर सेशन बता रहे ना, पर सेशन बता रहा हूँ, तो फेस के लिए वो ऑन एन एवरेज 4,000 to 5,000 रखेगा, ठीक है, ओके। पहली दफा में भी शुरू से लेके पहले 8 sessions इतने करेगा, उसके बाद शायद वो कम कर दे, ठीक है, ओके, ठीक है। IPL वाले अगर वो 5,000 चार्ज कर रहे हैं तो वो एक्चुअली ज्यादा चार्ज कर रहे हैं क्योंकि मशीन सस्ती है, मशीन सस्ती है, उनको उसूलन 3,000 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ओके, 3,000 to 2,000, 2,500 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वो लोग अपना कम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छा, कुछ डॉक्टर साहब ये भी तो होते हैं ना कि अब जैसे चलो कुछ तो अच्छे हैं जिनको मतलब जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, मशीन का भी पता है, उसके हिसाब से रीजनेबली चार्ज कर रहे हैं, कुछ लमसम में भी चले जाते हैं, 1,00,000 जी पूरी ट्रीटमेंट, 1,50,000, 2,00,000, और लोग बेचारे जो है वो उन्हें पता भी नहीं होता, और वो ज्यादातर देखिए अगर आप फुल बॉडी कर रहे हैं, ठीक है, आजकल ये खासतौर पर जब से सलमान खान ने अपनी कमीजें उतारनी शुरू की है तो बहुत सारे मेल भी अपनी बॉडी के फुल बॉडी है वो लेजर कर रहे होते हैं, लेकिन जनरली फीमेल जो है ना वो भी अपनी बॉडी के करते हैं, आर्म्स एंड लेग्स करा रहे होते हैं। अब उसमें जब आप करते हैं तो ये याद रखिए अगर आप लेजर यूज कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है, आपको एक सेशन 25,000 to 30,000 भी देने पड़ जाते हैं क्योंकि पोर्शन ज्यादा है, पोर्शन बहुत ज्यादा है, उसमें टाइम बहुत लगता है, उसमें टाइम बहुत लगता है, और एक लेजर के अंदर जो जहां से एनर्जी निकल रही होती है आपको वो फिर उसकी कोई चीज खराब हो जाए, एक हैंड पीस है वो टूट जाए तो 10-12 lakh का है, ठीक है, तो उस बेसिस पे आपने उसको थोड़ा सा रखना होता है। अब अगर उसमें आप देखें आपने 6 sessions करने हैं, आप 6 sessions करेंगे तो वो 2,500-3,000 तो चला जाएगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें नेगोशिएशन हो जाती है, आप मुझे लमसम मुझसे खरीद ले, 3 lakh का ट्रीटमेंट मैं आपको 2 lakh में दे दूंगा, आप मुझे सारे पैसे शुरू में दे देंगी। अच्छा, मेरा जो अच्छा बहुत सारे लोगों ने लेजर, बहुत सारे डॉक्टरों ने लेजर लीव पे लिए होते हैं, अरे यार, अच्छा, तो वो लीव अपनी पूरी कर लेते हैं, ओके, फाइन, और कुछ कर लेते हैं। बेसिकली देखिए, बेसिकली एज अ डॉक्टर मैं अपनी सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, एग्जैक्टली, एंड डेफिनेटली आपको अपने ओवरहेड्स भी मेंटेन करने हैं, सो मैंने इट्स आप किसी किस्म का कर लें, आप इसको एक बिजनेस में भी ला सकते हैं, लेकिन ये सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, ओके, हाँ, एज अ डॉक्टर, नॉट एज अ डॉक्टर, एज एनी बिजनेस पर्सन, इट इज योर ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट विद योर पेशेंट्स और विद योर क्लाइंट, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब डॉक्टरों के बारे में एक खास बात है कि जी ये तो मसीहा है, हाँ, ठीक है, क्या टीचर मसीहा नहीं है, क्या वो मजदूर मसीहा नहीं हो सकता, क्या वो पुलिस वाला मसीहा नहीं हो सकता, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आपने हर एक चीज में देखना है, वहां पे एक मॉरल ऑब्लिगेशन डॉक्टरों के ऊपर ज्यादा होती है कि दे हैव टू बी अबव एवरीथिंग एल्स, दे आर जस्ट ह्यूमन, क्योंकि लाइफ सेविंग उसके अंदर आ जाती है, इसलिए हम लोग सारा एस्पेक्ट उनको ये जरूर देखना होता है कि अगर आगे कोई शख्स है खुदा ना खास्ता जो उनका दुश्मन है तो वहां पे उनको वो अपनी जाती ख्वाहिशात से बालातर होके उसको देना होता है, सर्विस देनी होती है, वेरी राइट, यस, उनको वो चीज जरूर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस डॉक्टर ने भी अपनी जिंदगी गुजारनी है, इसी माशरे में गुजारनी है, जिस माशरे का बुनियाद आजकल सिवाय पैसे के और कुछ नहीं, और पैसा कैसे कमाना है इसकी कोई कैद नहीं है, कैद भी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि बिल्कुल मातर पिता आजाद हो गए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली, उसी माशरे में जब वो डॉक्टर वो कर रहा होगा तो उसने भी बाज़ दफा ना चाहते हुए भी वो ये सब कुछ करने पड़ जाते हैं,
I see, yeah. You know, this is what I really like about you, Dr. Saab, that you keep a very balanced approach, although you belong to the same profession, but then again, you know, I never see you biased towards doctors or medicines or for that entire profession, and you, mashallah, has a very, very balanced approach, which I really, really like about you. And this is very rare, because you belong to the profession, mein belong karte hai, ek bada bada, sab baki doctors or baki community or sab, you know, they look up to you and ki jab ye jaate hain to ye he has to speak in our favor, but ye ki ek general jo perspective doctor sab aapko dete hain zindagi guzarne ka bhi aur you know apne profession se loyal aur sincere rehne ka bhi, wo bahut hi rare hota hai. Doctor sab, really hats off to you for that. Nahi, wo mujhe ek sher yaad aata hai, wo kehte hain apne bhi khafa mujhse hain begane bhi na khush, मैं जहर हिला हल को कभी कह न सका कंद. ओए होए 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 होए, क्या बात है डॉक्टर, वेरी ट्रू. बट आई जस्ट होप कि आपके अपने और बेगाने आपसे राजी रहे, क्योंकि आप एक बड़ा जबरदस्त और मजे का काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से. एंड यू एंजॉय योर वर्क एंड यू मेक अदर पीपल रियली हैव फन आल्सो, बिकॉज यू नो ये चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी एट टाइम, समझ नहीं आती थी लोगों को, और कोई भी कितने भी पैसे लगाने के लिए राजी था. बट द वे आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, अपने पांव पे कुल्हाड़ी भी मार रहे, मैं तो ये कहूंगी, लेकिन ये है कि लोगों के लिए बहुत फायदा. मैं एक बार बताऊं, लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब व्हाई दिस. मैं कहता हूं कि नंबर वन, इट्स अ पैशन जो मैं कर रहा हूं, एंड आई एम एक्चुअली नॉट वर्किंग. मुझे पैसा मिल रहा है मेरे पैशन का, तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है. नंबर टू, मैंने कहीं हिसाब किताब देना है, ठीक है. मैं हुकूकुल इबाद की लाइन में नहीं खड़ा होना चाहता. हुकूकुल्ला में अल्लाह ताला के पास इख्तियार है कब मुझे माफ करे कब ना माफ करे. हुकूकुल इबाद में उसने वो इख्तियार अपने से हटाया हुआ है. जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मुझे वो भी माफी नहीं देगा. तो आई वुड रादर लाइक टू कंसंट्रेट ओवर हेयर. उसके साथ भी कंसंट्रेट करूंगा, लेकिन ये है. नंबर टू, अगर आप ईमानदारी से किसी मरीज को, अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं कोई लाइक डॉक्टर नहीं था, मैं मेहनती था, मैं लाइक नहीं था, ठीक है. मेरे पास कल मेरी बेगम, उनको बेचारी को चोट लगी है कहीं घुटने पे, तो वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गई, आके कहती है वो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने लिखा हुआ है गोल्ड मेडलिस्ट. मैंने कहा कि देखो, गोल्ड मेडलिस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या वो शख्स अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार है, क्या वो मेहनती है. हाँ. मैंने कहा ना, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था कभी, मेरी सप्ली भी आई है, मैं आम सा एक आम सा था, लेकिन आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड दैट इज कॉम्पनसेटेड देयर. अब अल्लाह ताला क्या करता है, जब आपकी नीयत साफ होती है ना, वो आपको कॉम्पनसेट करता है. और उसके पास वो तो कुन फयकून कहने वाली चीज है ना, कि वो कहते हैं कि हो जाए और वो हो जाता है. डॉक्टर, मैं ये सोचूं कि आपकी वाइफ ने ये नहीं कहा, अगर मेरे चोट लगी हुई है, डॉक्टर साहब को अपने लेक्चर बाजी की पड़ी हुई है, गोल्ड मेडल ये वो सुना गई होगी आपको दो तीन. माशाल्लाह, शी इज फाइन. चलें जी, हमारी तरफ से भी उनको जरूर जरूर पूछेगा डॉक्टर साहब, और साथ साथ हमारे इस सेगमेंट का भी इख्तिताम हो रहा है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस, आप इतना टाइम निकाल के आते हैं, थैंक यू सो वेरी मच. यू आर वेलकम जी, यू आर वेलकम. थैंक यू. एंड लेजर हेयर रिमूवल के ऊपर ये हमारा दूसरा सेशन था. हम भी तीन सेशन चार सेशन हम लोग करेंगे, लेकिन फिक्र ना करें, हम लोग इसमें कोई स्पॉइल नहीं करें, कोशिश करें जितनी डिटेल एक ही दफा में आप लोगों को दे दें, बिकॉज बीच बीच में जो मैं गिन चुन के टॉपिक्स करती हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा ये होता है डिस्ट्रैक्शन हो जाती है. तो अभी एक सेगमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है लेजर हेयर रिमूवल के हवाले से, अब आज दूसरा प्रोग्राम था उसका, अब दो प्रोग्राम उसके हमारे रह गए. डॉक्टर साहब से चेक करेंगे अगली दफा ये हमारे लिए क्या डिटेल लेकर आते हैं. वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर साहब. अभी हम इजाजत चाहते हैं कि आप लोगों से इस सेगमेंट से, क्योंकि अगले सेगमेंट में हम लोग शुरू कर रहे हैं, हमारे गेस्ट से आपको मिलवाएंगे जी, ओमनी फेरियस और फेरियस जो करेक्ट प्रोनंसिएशन. I'll just ask them and let you know. Fitness club है जी, basically यहाँ पर जो है वो आपको nutrition और physical exercises के हवाले से guidance प्रदान की जाती है, और बड़े नए और latest टेक्निक के साथ के लोग जो है आप लोगों को वेट कम करना या अगर आप गेन भी करना चाहते हैं, फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, उस हवाले से आपको गाइडेंस फराहम करते हैं. हमारे साथ जो उनके ट्रेनर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो मौजूद होंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे. ऑल दोज मैन एंड वेमेन आउट देयर हु रियली वांट टू लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि फिजिकल फिटनेस इज एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे. तो जरूर मेरा सेगमेंट देखें जी अगले वाला. कॉल करें 0518357361 के ऊपर. देखते रहिए मॉर्निंग विद लाइट सर्वर्स एट लाइट सही जी पे. हैव अ लवली मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड.